सब्सक्राइब कीजिए जायका NH12 और दबाइए बेल आइकन ताकि हमारे जरिए अपलोड की गई कोई भी जायकेदार डिश आपसे मिस न हो सके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जायका NH12। और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक ब्रेकफास्ट रेसिपी। रोज़ एक जैसा ब्रेकफास्ट खा के हम कई बार बोर हो जाते हैं, कुछ नया बनाने का मन करता है, तो आज मैं कुछ ऐसी ही रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। तो इंतज़ार किस बात का, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1 टेबलस्पून के करीब बटर डाल देंगे। बटर अच्छे से मेल्ट कर लें। और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम 1 कप ऑमलेट का प्याज डाल देंगे। प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज के ट्रांसलूसेंट होते ही हम इसमें 1/2 कप कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और 2 मीडियम साइज कटे हुए टमाटर। और इनको अच्छे से पका लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। टमाटर भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल रही हूँ और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले को अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से फैला देंगे पैन में और फ्लेम एकदम लो कर देंगे। और इसके बाद इसके ऊपर ये मैंने 4 बॉइल्ड एग्स लिए हैं और इसको 1/2 पीसेस में कट कर लिया है। ये इसके ऊपर उल्टे रख देंगे इस तरीके से। और अंडों पे भी थोड़ा सा नमक डाल दें। और इसी के साथ हम इस पे चीज स्लाइस डालेंगे। चीज स्लाइस आप ना भी चाहें तो ना डालें। अगर आपका दिल करे तो चीज ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ 2 चीज़ स्लाइसेस डाल रही हूँ। और जितना हो सके अंडे को कवर करें चीज़ से। और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स और थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दें। और इसे 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर दें जब तक कि चीज अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए।
चीज़ मेल्ट होने के बाद हम इसे गर्मा गर्म टोस्ट के साथ सर्व करेंगे। और इस रेसिपी को बनाने में मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगता है, तो ये बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी भी है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल जायका एनएच 12 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।